वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने 2019 एसएससी स्टेनो का एग्जाम दिया है और 125 प्लस अटेम्प्ट किया है, तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इस बारे में ये वीडियो है। तो जिन्होंने 125 प्लस अटेम्प्ट किया है तो ये जान लीजिए कि जिस हिसाब से पेपर टफ था तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और आप 125 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो आपके क्वालिफाई करने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए। और ऐसे ही आप 4-5 नंबर कम मान लीजिए ओबीसी के लिए, और 110 या 110 प्लस जो स्कोर है वो एससी के लिए सफिशियंट है। अगर आपने विद एक्यूरेसी किया है तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको अब स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए जाना चाहिए, और इसमें आप जो बात आती है इस चीज की कि आप एसएससी स्टेनो के स्किल की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आपके पास तीन तरीके हैं। या तो जिसमें कि आपका पहला तरीका है कि आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाएं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और आप उससे अच्छे से, मतलब सबसे बेस्ट तरीका वही है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाते हैं तो जानते ही हैं कि टीचर के पास जाएंगे तो वहां पे आपको अदर स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और वहां आप मतलब जल्दी जल्दी सीख भी लेंगे, क्योंकि आप टीचर से जैसा बताएंगे कि हाँ सर मुझे इतना आ रहा है या मैंने इतना कर लिया है, या उन्हें आप दिखाएंगे कि हाँ मेरा इतना हो रहा है, मुझे इतना आ रहा है, तो उस हिसाब से टीचर आपका परफॉर्मेंस देखेगा और आपको आगे की चीजें पढ़ाएगा। और आप साथ में जो अदर बच्चे रहते हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं या उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं और फिर उनके साथ कम्पीट भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर अगर इस कंडीशन में जो कोविड का कंडीशन चल रहा है, तो अगर आपके आसपास कहीं ऐसे कोचिंग्स नहीं अवेलेबल हैं तो आपका सेकंड ऑप्शन आता है। सेकंड ऑप्शन में आप पेड कोर्सेज के लिए जा सकते हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं इस समय। तो पेड कोर्सेज में आप कोई भी अच्छा पेड कोर्स जो भी अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी अच्छा हो वो पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आप पेड कोर्स ज्वाइन तो करते हैं तो फिर उसमें आपको सीखने में टाइम लगता है, और आप जो ऑफलाइन क्लासेस में आप कर सकते हैं काम, जाकर के टीचर से बात कर सकते हैं या स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप ऑनलाइन क्लासेस में या पेड कोर्सेज में नहीं कर सकते हैं। और फिर जो जैसा टीचर सिखाता है, मतलब सिखाना चाहेगा, आप वैसा ही आपको सीखना पड़ेगा। मतलब आप उसको ये भी नहीं बता सकते कि मेरा इतना हो गया और आप आगे बता दीजिए, आगे पढ़ा दीजिए। तो जिस स्पीड से वो पढ़ाएंगे या बताएंगे उसी स्पीड से आपको सीखना होगा, तो इस हिसाब से आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। यही अंतर होता है ऑफलाइन कोर्सेज का और पेड या ऑनलाइन कोर्सेज का। फिर आपके पास आता है, अगर आप पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं का पेड कोर्स ज्वाइन करिए, तो आपका थर्ड जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि आप अपने घर पे ही ला करके आप बुक लाइए और वहां से सीखना स्टार्ट करिए। तो जब आप अपने घर पे ला करके बुक से सीखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है कि आपको पहले बुक स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद खुद से ही वो जो स्टार्टिंग के जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वहां से आप अक्षर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर उस तरीके से आपको सीखने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन है और खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखना है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस अगर आपके लिए मिल जा रहे हैं तो वो ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप मतलब दोनों जो तीन ऑप्शन आपको मैंने बताया उनमें से कोई भी, तीनों में से कोई चूज कर सकते हैं। बस ये है कि जो और दो ऑप्शन है वो थोड़ा टाइम टेकन है। फिर बात आती है कि जिनका मार्च 21 में एग्जाम है उनके लिए, तो अभी जिनका अभी 125 प्लस स्कोर आ रहा है, मतलब अटेम्प्ट आ रहा है और भी देख एक्यूरेसी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस इनके क्लियर करने के, तो उसमें आप जा सकते हैं। आप मतलब स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और डेडिकेटली आप 5 से 6 घंटे अभी से देना स्टार्ट करिए, चाहे आप ये मार्च वाले एग्जाम के लिए कर रहे हो या अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 125 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है वो हो, तो दोनों ही लोग अपने स्किल के लिए अभी से ही लग जाइए, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट के मतलब स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और उस टाइम वहां तक टाइम नहीं मिलता कि आप स्पीड अच्छी बना पाए। फिर अगर आप मार्च 21 के लिए जा रहे हैं तो फिर आप वह आपको तो स्टार्टिंग से ही सीखना चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न के पहले ही आ रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट है, फिर आप रिटर्न क्वालिफाई होंगे तो उसके तुरंत बाद स्किल के लिए जा सकते हैं। और फिर जो मार्च के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका अभी स्किल के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों लोग के लिए ये है कि अभी से आप अपनी जो स्ट्रेटजी हो थोड़ी सी चेंज करके रीजनिंग के लिए थोड़ा टाइम निकाल करके डेडिकेटली टाइम देते रहिए और साथ में रिटर्न की तैयारी करते रहिए। और जिनका मार्च का एग्जाम हो तो रिटर्न की तैयारी करेंगे, तो दोनों ही लोग अपना अच्छे तरीके से डेडिकेटली पढ़ाई करिए। ओके, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।